मम्मी झलक। ये पलक की मम्मी है, लगते उसके पापा है लेकिन है मम्मी। आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तुझे बताऊंगी हाँ, जब मैं तुझे बताऊंगी तू सुनेगा ना तो हैरान हो जाएगा। आवाज कहां से आ रही है? सुनने से क्या, इनको तो देख के लोग हैरान हो जाते हैं। पता आपको, भगवान लोगों को बनाता ना अच्छे तरीके से, जैसे मलाइका की मैं बात कर रहा था, इनको भगवान ने बनाया, खुद नहीं किसी और की ड्यूटी लगा दी। भगवान खुद नींद में थे, उसने पूछा भाई साहब इसका क्या कर रखा था, जो देख ले जो बनता बना दे। चलो यहां पे क्या कर रही है? मैं बैठ जाऊंगा। हां मैं बताती हूँ क्या है कि मलाइका जी, जी किरण जी, मैं जो पलक का पापा है वो आज सुबह मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे बातें की। अच्छा अच्छा, क्या बोले? कितने दिन हो गए, कितने साल हुए उनको गुजरे? मैंने वो जिंदा है, पलंग पे मेरे बगल में ही सो रहे हैं। लेकिन क्या है कि आमने सामने मैं उनको मुंह नहीं लगा दी, इस पर हम सपने में बातें करते हैं। आप सोचो जिसको ये भी मुंह नहीं लगाती कैसा आदमी होएगा वो। पलक के पिता जी ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? अब सपने में आके मुझसे कहते हैं कि भाई पलक की मम्मी तुम्हें आज पहली बार अपने जीवन में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। क्या बात कर रही है, पहले भी कोई ना कोई टैलेंट दिखाया होगा तभी पलक जैसी बेटी पैदा की। यू टॉक टू माई फुट। कैसे हैं आप? इनसे अच्छा तो आपका मुंह है। मैं आपको बताती हूँ किरण जी, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि ऊपर वाले की अनुपम कृपा से कमाल का टैलेंट है मेरे अंदर। पहले मुंह से पान निकाल के बात करो ना। मैंने तो खाया ही नहीं है। अच्छा जी हाँ, ऊपर वाले की अनुपम कृपा से मेरे अंदर एक कमाल का डांसिंग का टैलेंट है। अरे क्या कह रही हैं आप? नहीं लेकिन कभी सही स्टेज मिला ही नहीं ना। अच्छा नहीं, लेकिन मैं कभी किसी लेडी संगीत पे अगर जाती हूँ तो वहां पर लोग ऐसे पीछे हटते हैं कि भाई हटो 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 हटो, कमाल की डांसर आ गई है, सब पीछे हट के एक बड़ा सा ग्राउंड सा बना के खाली करके मुझे ऑफर करते हैं कि आंटी डांस। ये वाला वो बेटी वाला है, वो तो जगह देंगे ना जब पता चला कि सामने ट्रक आ रहा है, वो भी ब्रेक फेल, तो जगह तो दे ही देते लोग। चलो भाई मेरे हिसाब से पलक जो कहती है एकदम सही कहती है, आपका जीवन ना बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। आप खाने में सलाद लो। सबको सलाद क्यों खिला रही है ये? चलो कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि डांस का ये जो टैलेंट है ना, मतलब मैं ऐसी नेचुरल डांसर हूँ, नेचुरल। मतलब एक होता है शरीर में एक लचक सी होती है, मतलब नेचुरल। पलक ने आप ही से इनहेरिट किया, मतलब मेरे रोज के जीवन में भी डांस ही डांस है। अच्छा, अब देखिए जैसे मैं कपड़े धोती हूँ, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, झिंग झिंग टक झिंग झिंग टक झिंग झिंग टक झिंग टक झिंग टक झिंग टक 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 टक, पर डांस हो गया नहीं जीवन में। अब जब मैं बाहर निकले मैं अमरूद तोड़ रही हूँ डांस से, एकदम 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 एकदम। ये जमीन पे कौन से अमरूद लगते हैं? जमीन से कौन से अमरूद भाई? ऊपर वाले नेचुरली कभी नीचे भी गिरेंगे, उसे कौन उठाएगा? आप कहें तो नहीं उठाएगी, छोड़ देती हूँ, खराब होंगे सड़ेंगे, छोड़ दू। हाँ तो सड़े हुए तो खाते हो आप लोग, सड़े अमरूद खाते, तभी तो अजीब अजीब जगह से बाल निकल रहे हैं आपके। अरे इनको छोड़ो, इनका कुछ होना नहीं है। एक मैं अब जो डांस करती हूँ ना, अब क्या है कि मैं चाहती अगर तो आपकी तरह कमाल की डांसर बन सकती थी, कमाल की। लेकिन क्या है कि वो कंधों पे जो बोझ है उसकी वजह से मैं अपना सपना साकार कर ही नहीं पाई। क्या 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 बोझ है आपके ऊपर? नहीं पलक जब इतनी सी थी तब 45 किलो की थी, अब ये तो बोझ है हा? अब उसका क्या करें? लेकिन आज हमने डिसाइड कर लिया है। एक बात सुनाओ, आप पौधों को भी पानी ऐसे बोल बोल के देती हो? क्या बिना तू के बात नहीं कर सकते आप? लोग चक्री खोल लेंगे। लेकिन आज हमने डिसाइड कर लिया, मैं आपको भी बता रही हूँ। हाँ डिसाइड कर लिया कि मैं अपना डांसिंग का टैलेंट आप दोनों को दिखा कर रहूंगी। जरूर दिखाई। और कमाल की बात यह है कि आज यहाँ पर बजर भी नहीं है।
सही आप सही बात। और बजर होता भी तो बुलडोजर को कौन रोक पाता। करो जी पहले भी कह चुकी हूँ फिर से कह रही हूँ, टॉक टू माई फुट। क्या टॉक टू माई फुट? तुम्हारे पैर की तो अपनी जुराब से नहीं बनती, वो बिना पहने आ जाती हो तुम यहाँ पे मुंह उठा के। जिसको देखो कभी गलत आई थी वो कभी करने आई थी, और कभी बुड्ढा आ जाएगा हुड़ करने। तुम लोग जाते क्या हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं डांस करने आई हूँ, मैं साफ साफ कह रही हूँ, चार बार बजा चुकी हूँ। कान में आपने तेल डाल दीजिए थोड़ा सा। एक मिनट, अब मैं तो डांस दिखा के रहूंगी, डांस दिखाऊंगी, उसके बाद आपको जरा ज्वाइन इन करना होगा। जी जी जरूर, डेफिनेटली। तो वैसे ही डांस निकल जाता है। हेलो हेलो शर्मा जी, हेलो जी, बताइए कि मैं लक कैसा रहा हूँ? ऐसा लग रहा बड़ी अच्छी बिरयानी बनी थी, बीच में कंकड़ आ गया। क्या कर रहे हैं विपाशा जी? हम आपको बताते हैं हम किस काम के लिए आए हैं। आज हम आपको अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं। Wedding Lachha Weds dot dot dot. वो तेरी दुल्हन का dot 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 dot. विभाषा आप इधर आ जाओ, गोबर कर रहा है। अबे नाम कहाँ है वाइफ का? अरे कोई तो लिखना भूल गए हम। कोई नहीं कोई नहीं, हमारे पास पेन भी है, हम अभी लिख देते हैं। लाइए लाइए लाइए, गलती हो गई सारी। हाँ ठीक है, तो जल्दी लिखो नाम, जल्दी कार्ड लेके जाओ। ब पे लंबी ई की मात्रा, पा सा। ये क्या है कमीने, जिसको सामने देखिए उसी का नाम भर दिया उसने। ये क्या तरीका हुआ शर्मा जी? जब मियां बीबी राज जी तो क्यों बीच में आ रहे हैं पाजी? अच्छा तुझे क्या लगता है तेरे को पसंद क्यों करेगी? तेरे में ऐसा क्या है? उनको फिट लड़के पसंद है। तो हम भी अपने पेट में 16 पराठे फिट करके आए हैं। अबे 16 पेट में नहीं फिट हुए, पेट में तेरे 8 ही है, बाकी 2 झांगों में, 2 बाजुओं में आए तेरे। आलू तेरे मुंह में आए, मुंह मत खोल घी बाहर आ जाएगा। अरे विपाशा बसु से शादी कर रहे हैं। विपाशा जी हम आपको बता रहे हैं, एक बार अगर किसी ने लच्छा की स्माइल देख ली फिर कोई लड़की लच्छा को ना नहीं कह सकती। तो आपको स्माइल दिखा दें, दिखा दें, दिखा दें, दिखा। ए देखिए दिखाओ दिखाओ। बात है नाइस। देखिए आपकी आंखें हमसे कह रही है कि आप चाहती हैं हम आपके लिए एक रोमांटिक गाना गाएं। कड़काओ कड़काओ। ठीक है अब आप हम आपको ना नहीं कह सकते, हम गाएंगे आपके लिए। आप बताइए कि अब आपको ये रिश्ता मंजूर है? पागल हो गया तू? तो जा दवाई खा जा आगे। जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। एक बार ठीक से देख लीजिए फिर से। आई लाइक यू, एक्चुअली आई लाइक यू। आर यू श्योर? मैं हमेशा ऐसे ही इंसान की खोज में थी जिसको एक्चुअली मैं रिफॉर्म कर पाऊं। ये मेरे साथ रहेंगे तो मैं इनको एक एग्जाम्पल की तौर से सबको दिखाना चाहती हूँ, दुनिया को, कि मैं इनको कितना फिट बना सकती हूँ। लेकिन लेकिन अच्छा जी, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। हाँ तो कहिए ना। एक चीज आपको करनी पड़ेगी। हाँ तो करेंगे ना। आई लव टू गेट एंटरटेन्ड, तो आपको जरा डांस करके दिखाना पड़ेगा। क्या कह दिया आपने जी? आपको शायद पता नहीं है कि लच्छा एक बार डांस फ्लोर पे उतरता है
उसे डांस करते हुए अगर लड़कियां देख लें तो दौड़ के उसे झप्पी दे देती है। आपने अपने पैर पे मतलब कोई बात नहीं, लेकिन हम सबसे कह देना चाहते हैं कि प्लीज आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं, क्योंकि ये जो डांस है ये सिर्फ बिपाशा जी के लिए, आप लोग आगे मत आइएगा प्लीज। चलिए हो जाए आपके लिए डांस भी हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बिपाशा और हमारे लच्छा के लिए। तो हमारे दर्शकों ने आज मुझे पूरा यकीन है कि एक नया रेजोल्यूशन लिया होगा कि हम लोग और कुछ करें ना करें लेकिन अपनी फिटनेस के लिए बहुत कुछ करेंगे, और जिन्होंने नहीं लिया वो जल्दी ले लीजिए। और थैंक यू सो मच बिपाशा, आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को फिट देखना चाहती हैं और हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं ताउम्र। थैंक यू सो मच कॉमेडी एक्स मैन के लिए। थैंक यू, और यू आर ए स्वीट हार्ट।